चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एलएनटी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। अगर आपको याद होगा यहाँ पे, ठीक है, तो कल के वीडियो में हमने एनालिसिस किया था और लास्ट वीकली वीडियो में भी एनालिसिस किया था। ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल्स के आसपास ट्रेड करता है कर रहा है। अगर इसको ये ब्रेक डाउन करता है तो हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाता है तो ये एक अच्छा इंडिकेशन होगा जो शो करेगा कि ये यहाँ से अभी क्या होगा, ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है, हम सभी को ये पता है कि 3700 से लेके ये 200 रुपीस के रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले 3 वीक से। तो इस रेंज को जब भी ये निकालेगा तो यहाँ से लगभग लगभग 3700 से ऊपर जाएगा, तो 3900 का लेवल है ये, हम लोगों को ये लेवल दिखा सकता है, राइट। तो अभी कल भी हमने बात किया था यहाँ पे कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग को क्लोजिंग यहाँ पे मिलता है, ठीक है, तो एक स्ट्रांग क्लोजिंग मानी जाएगी और हम लोग ऊपर की कुछ प्लानिंग यहाँ पे कर सकेंगे। तो बिल्कुल वैसी ही क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली है और वीकली टाइम फ्रेम का अगर आप कैंडल देख रहे होंगे, ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा जो भी लास्ट कैंडल था उसको यहाँ पे इनगल्फ कर लिया इसने और क्लोजिंग भी अच्छी दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर जाके वो हाई लगाया और क्लोजिंग हम लोग को नीचे दिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग जो है हम लोग को बहुत ही अच्छी यहाँ पे देखने को मिली है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जिस तरीके से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना फिर रेड बना, यहाँ पे ग्रीन बना है फिर से यहाँ पे रेड बन सकता है, इस बात की ठीक है संभावना है। इसीलिए कोई भी डिसीजन लें, ठीक है, ऊपर के लिए या फिर नीचे के लिए, तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकलने देंगे एंड उसके बाद ही कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जब तक ये एक तरीके से जब तक ये यहाँ पे रेंज बाउंड है तब तक बहुत बड़ा कोई भी डिसीजन हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। हाँ, छोटे छोटे डिसीजन ले सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि 1000 क्वांटिटी प्लान कर रहे होंगे तो अगर हम लोग को थोड़ा सा अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न दिखेगा, ठीक है, तो इसके 10% में हम लोग जाके 100 क्वांटिटी में पोजिशन बनाएंगे, समझ रहे हैं। तो किस तरीके से अगर प्लानिंग करेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों को अच्छे बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर अपोजिट वे में यहाँ पे कोई भी ट्रेड जाता है तो हम लोग यहाँ पे उसको क्या करेंगे, अपोजिट वे में जाएगा तो हम लोगों को समझ में आएगा चलो हम लोगों ने बहुत बड़ा प्राइस एक्शन पैटर्न बहुत बड़ा कोई यहाँ पर रिस्क नहीं लिया था, इसलिए जो भी एसएल होगा कम रुपए लॉस के साथ यहाँ पे ट्रिगर होगा। मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे 1 वीक निकला, अभी यहाँ पे छोटा सा कैंडल बना है। अगर ये कैंडल जिस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पे बात किया हमने, अगर ये कैंडल यहाँ पे आने वाले समय में मानते हैं कि यहाँ पे 3700 का यहाँ पे हाई लगा हुआ है, इसके आसपास जाके ब्रेकआउट देता है और हम लोग को इस मंथ में क्लोजिंग यहाँ पे लगभग लगभग 3800 के आसपास मिलता है या फिर ब्रेकआउट मिलता है, अगर इस मंथ में ब्रेकआउट मिलता है तो ये ब्रेकआउट इसको ऊपर की ओर लेके जाएगा और हमारा जो आपको याद होगा हमारा जो यहाँ पे टारगेट है नीचे से वो 4200 रुपीज़ के आसपास का है, ठीक है, तो हम लोग इस टारगेट की ओर बढ़ेंगे। हो सकता है ये इसी मंथ में यहाँ पे हम लोग को ये टारगेट दे दे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो, ठीक है। और यहाँ पे अगर नीचे की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा निगेटिव कैंडल है, जब भी बहुत बड़ा कोई भी कैंडल बनता है तो जनरली एक इनसाइड कैंडल बनने की फॉर्मेशन होती है और इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि एक इनसाइड कैंडल बन जाए, ठीक है, क्योंकि ये जो कैंडल है ये नॉर्मल कैंडल नहीं है, पहले यहाँ से ओपनिंग के बाद यहाँ से ये ऊपर की ओर गया है और उसके बाद सेलिंग हुई है, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो कैंडल बना है इसमें बायर्स एंड सेलर दोनों यहाँ पे 50-50 60% के पार्टिसिपेंट्स हैं, तो यहाँ पे इसीलिए अभी हो सकता है एक इनसाइड कैंडल बने एंड उसके बाद वाले मंथ में हो सकता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल या फिर ब्रेकडाउन कैंडल जो भी है यहाँ पे हम लोग को देखने को मिले, ठीक है। तो अभी मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ऐसा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग थोड़ी अच्छी मिली है इस वीक में, ठीक है, लेकिन हम लोग को जब तक अगर मान लेते हैं नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग यहाँ पे देता है, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग कुछ प्लान कर रहे होंगे तब हम लोग कुछ यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे भी इसको स्ट्रॉन्ग मानेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रॉन्ग मानेंगे और दोनों तरफ से अगर हमारे पास ग्रीन इंडिकेशन आएगा तो हम लोग कॉन्फिडेंटली इसको प्ले कर पाएंगे और जो भी हम लोग क्वांटिटी प्ले करते हैं उसमें हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगेन हम लोग यहाँ पे अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन बना है। आज का प्राइस एक्शन पैटर्न आपको पता ही होगा, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बनाने के बाद 2 दिन अच्छी सेलिंग हुई, जितनी भी ये बाइंग हुई थी कहीं ना कहीं ये यहाँ पे उसका 80% ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन हो चुका था अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, आज का ये जो हुए ये आज का जो यहाँ पे लो लगा और इस कैंडल का लो देखेंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पास में होगा जो कि एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है, लेकिन आज के दिन ग्रीन कैंडल बिल्कुल कल के रेड कैंडल के बराबर यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो अब ये 3 कैंडल का
हाई देखेंगे 3650 के आसपास के आस आपको हाई देखेगा। और जैसा कि आपको याद होगा यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अभी भी यहाँ पे बनी हुई है और ये ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग को कैंडल क्लोज चाहिए। और जैसे ही उसका ब्रेकआउट होगा हम लोग यहाँ पे ऊपर की प्लानिंग करेंगे एंड जो नेक्स्ट टारगेट होगा 3700 एंड उसके बाद का 3800, 100 100 रुपीज के यहाँ पे 100 रुपीज के रेंज पे हमारे टारगेट्स होंगे, ठीक है। ये ऊपर की बात हो गई। अगर लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मान लेते हैं क्लोजिंग अच्छी मिली है लेकिन ये ऊपर जाता है और इन्हीं लेवल से रेजिस्टेंस लेके तुरंत नीचे आने लगता है, तब हम लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। क्यों? क्योंकि एक रेंज में, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कभी भी कोई भी शेयर रेंज में ट्रेड करता है तो उसके साइडवेज जाने की ज्यादा प्रॉबिलिटी रहती है, ठीक है। और जब तक ये अगर इस ट्रेंड लाइन से निकलता है तो चांसेस है यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करें और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे, तो ये भी एक सिनारियो बन सकता है। इसीलिए बहुत ही सोच समझ के हम लोग यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेंगे। अभी हम लोग नीचे की बात करेंगे तो नीचे अगर आप देखेंगे तो इन पॉइंट्स को यहाँ पे अगर इस तरीके से टच करेंगे तो अभी ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये इन दोनों कैंडल का लो ब्रेक करता है तो ये जो इसके पास पास में जो लो है 3500 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे 3500 के आसपास जाता है एंड उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके फिर से ये 50 रुपीज़ से रिजेक्शन लेता है, तब हम लोग मान के चलेंगे कि ये अब ये नीचे वाले लेवल्स के आसपास आने वाला है, ठीक है, और ये हम लोगों को ये लेवल्स दिखाने वाला है। दोनों तरफ से हम लोगों को रेडी रहना चाहिए क्योंकि एक रेंज बाउंड ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, राइट। यहाँ पे हम लोग इसको ऑन कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी ट्रेंड लाइन के जस्ट पास में, देखिए ये ब्रेकआउट करने का बेस्ट सिनारियो बन सकता है बिकॉज ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, ट्रेंड लाइन को जाके हिट नहीं किया, फिर से जाके ट्रेंड लाइन को यहाँ पे एक बार हिट किया, फिर से इसके पास से ही ट्रेंड लाइन हिट कर रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन नहीं है, फिर भी यहाँ पे इस इन लेवल्स तक 3725 के लेवल्स तक आने के लिए ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका ब्रेकआउट होना। अगर यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे 1 2 दिन यहाँ पे कंटिन्यूअस मोमेंटम हो और हम लोग को 3800 तक का टारगेट देखने को मिले। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत दिनों से ये जो लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ये जो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 2 वीक से यहाँ पे जो फंसे हुए हैं, ये जब यहाँ पे मौका मिलेगा तो ये ऊपर की ओर इसको लेके जाएंगे। और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के आसपास 2 3 दिन से ये वेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, बायर्स इकट्ठे हो सकते हैं, फ्रेश बायर्स हो सकते हैं, और जब भी ये ब्रेकआउट देगा तो तेजी से इसको ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं और 3800 के आसपास ले जाके इसको यहाँ से फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो नीचे और ऊपर की हमने दोनों तरफ से यहाँ पे बातें कर ली है। अब यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको आज देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन बना है, ठीक है, तो जो क्लोजिंग है हम लोग को इसके जस्ट ऊपर जाने के बाद, ये जस्ट ऊपर गया है और जस्ट ऊपर जाने के बाद क्लोजिंग हम लोग को सक्सेसफुल नहीं दिया है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो आज के दिन भी ये कैंडल देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन जस्ट इसने क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर दे दिया होता, मतलब 3648 के आसपास दिया होता तो यहाँ पे एक यहाँ से प्राइस एक्शन पैटर्न बन के ऊपर की ओर जाना काफी आसान हो जाता, लेकिन इसने दिया नहीं और थोड़ा सा यहाँ पे चौपी सिचुएशन में क्लोजिंग हम लोग को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट जो लेवल है अपने लिए, ठीक है, ये हम लोगों को क्या करना है कि इसको यहाँ पे 3638 के आसपास 40 का लेवल ले लेना है। 3640 का लेवल ब्रेकआउट होगा तो पहला टारगेट हम लोग यहाँ पे 3650 का देख सकते हैं एंड इसी फ्लो में हम लोग जो सेकंड टारगेट देख सकते हैं और सेकंड टारगेट होगा हमारा 3660 का ऊपर की ओर, ठीक है। फाइनल कल मंडे के लिए जो हमारा टारगेट होने वाला है वो होने वाला 3680 का। नीचे की बात करेंगे तो नीचे जब तक अभी ये लेटेस्ट स्विंग जो आज का लगा है ये जब तक ब्रेकडाउन नहीं हो जाता तो तब तक नीचे नहीं बात करेंगे। अगर ये किसी सिचुएशन में ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग नीचे का लगभग लगभग यहाँ से 15 पॉइंट्स नीचे 3545 के लेवल की बात कर सकते हैं। जो भी मैं लेवल्स वर्ड यूज करता हूँ वो ये शेयर के प्राइस की बात है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आई वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।